सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं यहाँ पर जेफर लैब कूल M5 के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू कि यहाँ पर एम्पलीफायर का प्राइस अप्रोक्स कितना पड़ जाएगा आपका, और यहाँ पर इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर प्राइस तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस कितना है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर टॉप और बेस आप कितने हज़ार वाट का चला सकते हैं और कितना पीस आप इसमें चला सकते हैं, स्पेसिफिकेशन आपको क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आउटपुट के बारे में, जैसे 8 ओम्स, 4 ओम्स, 2 ओम्स में आपको पर चैनल आउटपुट कितना मिल जाता है, और यहाँ पर अगर आप बेस चलाते हैं तो यहाँ पर कैसा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप वीडियो में ही मतलब सुन पाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बात करते हैं यहाँ पर जेफर लैब कूल M5 के बारे में, तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल में तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं पर स्पेसिफिकेशन से। यहाँ पर दोस्तों जेफर लैब कूल M5 में आपको मिल जाता है 8 ओम्स में 950 वाट का पर चैनल आउटपुट, और यहाँ पर 4 ओम्स में आपको मिल जाता है 1600 वाट का पर चैनल आउटपुट, और यहाँ पर 2 ओम्स में आपको मिल जाता है 2100 वाट का पर चैनल आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसका डंपिंग फैक्टर है ये आपको मिल जाता है 800, और एम्पलीफायर का वेट आपका पड़ जाता है 21 किलो 600 ग्राम का एम्पलीफायर है, जो कि काफ़ी हल्का एम्पलीफायर है और काफ़ी अच्छा बात है, और इंडियन एम्पलीफायर है तो काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर आपके लिए होने वाला है जेफर लैब कूल M5। और यहाँ पर पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर स्पीकर लोड कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ पर बेस और टॉप, तो यहाँ पर आप मान लेते हैं स्पीकर आप चलाते हैं बेस स्पीकर, जैसे कि दो बेस अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पर 1000 वाट का दो बेस चला सकते हैं, 1000 वाट का एक बेस एक चैनल में, 1000 वाट का एक बेस दूसरे चैनल में आप चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी उतना ज़्यादा पंच तो नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पर आप काम चला सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको रिस्पांस देखने को मिल जाएगा टॉप में और लाइनर में, तो यहाँ पर लाइनर के लिए काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर आपके लिए होने वाला है, और टॉप के लिए काफ़ी अच्छा आपका एम्पलीफायर साउंड आपको देखने को मिल जाएगा इस एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप दो बेस चला सकते हैं 1000 वाट का, जैसे कि पर चैनल एक एक स्पीकर, और अगर चार बेस चलाते हैं तो यहाँ पर 800 वाट का चार बेस आप इसमें रन करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टॉप स्पीकर से, तो जैसे कि मान लेते हैं अगर आपके पास लाइनर भी है या फिर टॉप स्पीकर है, तो ये आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा, जो कि लोड कैलकुलेशन आपका सेम होना चाहिए और वाटेज जो है आपका लगभग मैचिंग होना चाहिए, 10% कम रहे तो काफ़ी अच्छा आपको साउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दो टॉप चलाते हैं तो यहाँ पर दो दो स्पीकर एक एक टॉप में आपका लगेगा, जो कि 8 ओम्स का स्पीकर रहेगा, पैरेलल कनेक्शन रहेगा, तो यहाँ पर आपका एक टॉप का इम्पीडेंस बन जाता है 4 ओम्स। तो यहाँ पर आप इसमें 600 वाट डुअल स्पीकर प्लस 100 वाट HF, लगभग यहाँ पर 1300 वाट का एक टॉप कंप्लीट बन जाता है। तो यहाँ पर एक एक टॉप एक एक चैनल में हम काफ़ी अच्छे से रन करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर 800 वाट के डुअल टॉप भी आप इसमें रन करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात करते हैं 2 ओम्स में, तो यहाँ पर अगर चार टॉप, जैसे कि 2 ओम्स में हमारा बन जाता है पैरेलल कनेक्शन में 8 ओम्स वाले स्पीकर, चार स्पीकर एक चैनल में, चार स्पीकर दो मतलब दूसरे चैनल में, तो यहाँ पर आपका 2 ओम्स लोड बन जाता है, तो यहाँ पर आपको स्पीकर जो रखना है ये आपको रखना है 450 वाट के स्पीकर। तो यहाँ पर 450 वाट प्लस 450 वाट 900 वाट, एक टॉप में दो स्पीकर रहेगा तो 900 वाट बन जाता है, प्लस लगभग 100 वाट का HF आपका बन जाएगा, तो लगभग यहाँ पर 1000 वाट का कंप्लीट एक टॉप हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर दो टॉप हम चलाएंगे एक चैनल में, और दो टॉप चलाएंगे दूसरे चैनल में, तो यहाँ पर लगभग 2000 वाट का लोड आपका बन जाएगा, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर आपके पास लोड कम है तो और भी काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि 400 डुअल स्पीकर प्लस HF, तो यहाँ पर लगभग 900 वाट का अगर आपका कंप्लीट टॉप बनता है तो और भी काफ़ी अच्छा आपको साउंड देखने को मिल जाएगा, और एम्पलीफायर भी हिट नहीं होगा, काफ़ी कूल एम्पलीफायर रहेगा। और यहाँ पर 900 900 अगर आप चलाते हैं तो 1800 वाट पर चैनल लोड रहेगा 2 ओम्स में, तो काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर भी लंबे समय तक वर्क करते रहेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको
आपको। और यहाँ पर जेफर लैब कूल M5 का लगभग प्राइस जो है, ये आपका प्राइस पड़ जाता है लगभग 50,000 अप्रॉक्स प्राइस, क्योंकि यहाँ पर जेफर लैब कूल एम जो है 5, ये लगभग आपको उतना प्राइस पड़ ही जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 2-3 हज़ार। और जो इसका जो Z5 आता है, ये आपका लगभग 57 या फिर 58 हज़ार के आसपास आता है, जैसे कि वो बेस चलाने के लिए एक्सट्रीम बास एम्पलीफायर जो है, ये आपका थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, जैसे कि लगभग 60 हज़ार से कुछ कम पड़ रहा है। और जेफर लैब कूल एम्प अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर 5 जो है, तो ये आपका लगभग 50 के आसपास पड़ ही जाएगा, तो ये आप 50 हज़ार के आसपास। तो मार्केट में आप पता कर लीजिएगा इसका प्राइस लगभग कितना है अभी। तो ये एक आइडिया था कि प्राइस जो है इसका एम्पलीफायर का कितना आपका पड़ जाएगा, तो लगभग 47 या फिर 50 के आसपास जो है एम्पलीफायर मिल जाएगा, ऊपर भी हो सकता है, ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, 52-53 में भी जा सकता है एम्पलीफायर। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डीजे से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल में तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।